8. Question is, find the volume of a sphere whose radius is 7 centimeter. Volume of sphere क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 pi r³, where r is the radius. अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे? रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर. एंड व्हाट वी आर टू फाइंड आउट? वॉल्यूम. सो दिस इज 4/3 pi r³. स्फीयर में आप रफली एक सर्कल बना दोगे. So this is 4/3 × 22/7 × 7 × 7 × 7. कितना आएगा? 4312 cm³. 4312/3 cm³. Next, second part is your homework. Question number 2. Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter. आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, जब आप एक उसमें डालते हो, लिक्विड में कुछ गिराते हो. क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर. देखो इसमें क्या होता है कि जब आपके पास मान लो एक कंटेनर लिक्विड से, किसी भी लिक्विड से भरा हुआ है, उसमें आप कोई भी चीज गिराते हो, जितनी भी आप उसमें, जो भी चीज आप उसमें गिरा रहे हो, पानी क्या होगा? बाहर आ जाएगा. ठीक है, कितना पानी बाहर आएगा? वाटर डिस्प्लेस्ड आउट जो है, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड इन दैट वेसल. उसमें जितना भी आपने, जो भी आपने ऑब्जेक्ट उसमें गिराया, जितना उसका वॉल्यूम था, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आएगा? जो भी कंटेनर है उसमें से बाहर आ जाएगा, अगर वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है. अब इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल. तो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा? दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल. सो रेडियस कितना गिवन है? ओके, डायमीटर ऑफ स्फीयर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर. 28, ओके, दिस इज 28 सेंटीमीटर. रेडियस कितना आ जाएगा? 28/2, दैट इज 14. अब यहाँ पे आप मेंशन करोगे, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉल. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला यू नो, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. कितना है? करो कैलकुलेशंस, करो. सबका आ रहा है ये? 34,496/3. एंड द यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब. Done? Any doubts? So it's the second part is again your homework part. Decimals हैं, उनको easy करने के लिए आप upon में चाहे 100 कर लेना. Now the next question, third one. The diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. Ball से भी आपको पता लग जाता है that is spherical in shape.
आपको इसका डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर. व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी कितनी गिवन है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब इससे डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, किया हुआ है आप लोगों ने, मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब यहाँ पे अगर वो नहीं फॉर्मूला पता देन ऑल्सो यहाँ से आपको पता लग जाएगा क्या गिवन है. यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है दैट इज 8.9 ग्राम्स. हमें किसका मास निकालना है? बॉल का. इट मींस अगर हम बॉल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उस वॉल्यूम को 8.9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ द बॉल. क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट हमें गिवन है 8.9 ग्राम. 1 सेंटीमीटर क्यूब से हमें पता लग रहा है कि हम वॉल्यूम निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. सो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल कितना गिवन है हमें? 4.2 सेंटीमीटर. दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, गिवन है यहाँ पे डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल आपको गिवन है. आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ जो मेटल है जिससे बॉल बनी हुई है वो हमें 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है. यानी कि उस मेटल का अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हैं तो उसका वेट कितना है? 8.9. हमें बॉल का वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले बॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8.9 से. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी विल गेट द मास ऑफ द बॉल. ठीक है. डायमीटर कितना गिवन है हमें? 4.2 सेंटीमीटर. चौक से तो बच्चे अगर हैं और ओके इधर से ले लो साथ वाले. रेडियस कितना आ जाएगा? लास्ट सेकंड लास्ट बॉय, इज देयर एनी नीड टू टॉक? बच्चे बताओ आगे मुझे क्या आएगा यहाँ पे. व्हाट्स योर नेम? ओके क्या करना है आगे मुझे अब? हाँ जी, मास कैसे निकलेगा? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. मास कैसे निकलेगा? हाँ जी, डेंसिटी गिवन है फिर. हाँ जी, मिनिमम आई थिंक आई हैव रिपीटेड इट ट्वाइस और थ्राइस. क्या बताया मैंने मेथड? जिन्होंने सुना है दे आर डूइंग देयर कैलकुलेशंस. क्यों वॉल्यूम क्यों निकालने? मुझे कैसे पता लगा वॉल्यूम निकालने? हाँ जी, रेडियस तो गिवन है तो फिर मैं टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल सकती थी. वाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ही क्यों निकाल रही हूं मैं? गिवन क्या है? रेडियस के साथ और क्या गिवन है? ये गिवन है सेंटीमीटर क्यूब. मतलब सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट किसका होता है? वॉल्यूम का. That's why we are calculating volume. Got it now? Sit down. So volume of ball. This is 4/3 into 22/7 into 2.1. इसको आप on में 10 करके you can make your calculations easy. कितना है? 388.00 था लास्ट में तो नीचे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स बन रहे हैं. लास्ट 0 है क्या? इनका प्रोडक्ट बताओ मुझे चारों का. ठीक है. अब अपॉन में कितने जीरोस हैं? तो
तो फिर ये नहीं बनना चाहिए, कहाँ गलती है अब चेक करो। ये पीछे से आंसर देख के बताया होगा इन्होंने जरूर मुझे। एटी एट इंटू फोर फोर्टी वन की है। ठीक है 38.808। अब दिस इज द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, वी आर टू फाइंड द दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, टोटल जो मेटल लगा इसमें, और 1 सेंटीमीटर कैलकुलेशंस बता दो, देख लो देख लो देख लो। 4 × 22 इज, अब 88 × 21 करो पहले, या सीधा 441 कर दूं? बच्चे नहीं आ रहा, देख लो कोई बात नहीं, बताओ जी। 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, 3 = 35। नेक्स्ट, अच्छा 4 से है, 8 × 1 = 8 कितना आएगा, सेम आ रहे, अब करो। आ रहे, गलती पता लगी कहाँ थी, दिखाओ। क्या किया था, अच्छा कटिंग कर दी ना, तो कोई बात नहीं, 125 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग, 38.808 मिलेगा आप 125 से जब उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, डन। अब क्या आएगा, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8.9 ग्राम्स, तो मास ऑफ बॉल यानी कि 38.808 दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, टेल मी द आंसर। करो कैलकुलेशंस, करो अपनी अपनी, फिर बताओ मुझे, डू द कैलकुलेशंस, मल्टीप्लाई 8.9 एंड 38.808। डेसिमल्स में अगर मुश्किल लगता है कि मल्टीप्लिकेशन, अपॉन में ले लो इसको, और फिर बाद में 1000 लास्ट के 3 डिजिट्स लेके डेसिमल लगा लेना। Hurry up, do the calculations. Online students also, do your calculations. कितना आ रहा है ईगो, चेक करो कैलकुलेशंस आपका कितना आया है, करिए कैलकुलेशंस, करो, सबका अलग अलग आ रहा है, क्या आ रहा है, आप तीनों का सेम आ रहे, चलो बताओ फिर। ये तो पॉइंट आपका 4 के, हाँ तब भी, अच्छा यहाँ 3 जीरोस थे, ठीक है ये हटाओगे तो 345.3912 यूनिट विल बी मास है मैडम, ग्राम्स। हाँ जी यही आ रहे, ठीक है फाइन, क्या हुआ, बस ठीक है फिर,
इज इट डन बेटे? किसी को कैलकुलेशंस में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. सबका आ रहा है सेम? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 4. द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून? डायमीटर का क्या रिलेशन गिवन है? तो इससे क्या पता लगा कौन बड़ा है, मून के अर्थ? डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. तो किसका डायमीटर एज्यूम करें? अर्थ का एज्यूम कर लेते हैं, तो मून का निकल आएगा. Let the diameter of moon be, earth be 1/4 x. यूनिट्स ले लो आगे. हाँ जी, कहाँ वही हो गया एक ही बात. 1/4 ऑफ x इज x बाय 4. ठीक है, क्या स्टेप होगा आप नेक्स्ट? क्या रेडियस? रेडियस क्या आएगा? एक्स बाय अर्थ का और मून का एक्स बाय ए. अब क्या निकालना है हमें, यानी कि हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ और मून का रेशियो निकाल लें तो वी विल गेट द सेम थिंग. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून? तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून, पहले क्या लूं? क्या आएगा अर्थ का? स्क्वायर. अगला ये 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया. एक्स बाय 2 क्यूब इज एक्स क्यूब बाय 8 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब बाय. अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे. अब उसने क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून? क्या मतलब है इसका, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून? यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून कितने टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो हमने निकालना है. सो व्हाट विल इट बी? हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून 64/1 आ गया. अब वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, 64 को नीचे ले आओ. तो वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ. तो फ्रैक्शन क्या आया, 1/64. ये दोनों पोजीशंस इंटरचेंज कर दी तो वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ. क्लियर? कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. लास्ट स्टेप दोबारा देखो, यहां लिख रही हूं मैं.
हमें उसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ये हमने निकालना है ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ कर लो या वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून कर लो, जैसे मर्जी कर लो, हमने अर्थ अपॉन मून किया था। वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना था हमारे पास, दिस इज 64/1। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू व्हाट टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो मैं क्या करूंगी, मून वाली वॉल्यूम इधर ले जाऊंगी, क्या बनेगा ये, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून। मुझे वॉल्यूम ऑफ मून सिंपली चाहिए, इसके आगे कोई नंबर नहीं चाहिए, तो 64 को क्या करेंगे इधर ले आएंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मून, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, क्लियर, अभी भी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, गॉट इट। चलें अगले पे, नाउ दिस इज योर होमवर्क पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जितना होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क। अब वॉल्यूम ऑफ मिल्क वी आर टू फाइंड आउट इन लीटर्स, और डायमीटर किसमें गिवन है, सेंटीमीटर्स में, तो हमें लीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन पता है, लेटर ऑन वी विल डू द कन्वर्जन। सो डायमीटर कितना गिवन है, HS आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर हेमिस्फेरिकल, दिस इज 10.5 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द रेडियस, ये डेसिमल हटा के मैंने जीरो लगा दिया, तो कटिंग करके कितना आएगा, लेट इट बी लाइक दिस, नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल, सो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर है तो 2/3, आर इज 21/4, सो दिस क्यूब इज 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, नाउ डू द कैलकुलेशंस, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सो क्या रिलेशन है सेंटीमीटर क्यूब और लीटर्स का, 1000, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड, कैलकुलेशंस कर लो और बताओ कितना आ रहा है।
4851 को 16 से डिवाइड कर लो, 303 अप्रोक्सीमेटली, फिर डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 0.303 इज योर आंसर. ठीक है, जब भी अपॉन में टेंस के कॉम्बिनेशंस हैं या टेंस की प्रोडक्ट्स बनते हैं वो यूज दैट इन डेसिमल फॉर्म, सिंपली बाकी वाले को करके अपनी कैलकुलेशन से सिंपल करो. इज इट डन? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक. थिकनेस ऑफ आयरन शीट हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 1 मीटर गिवन है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक. टैंक की शेप कौन सी है? हेमिस्फेरिकल. इसका हमें इनर रेडियस गिवन है एंड थिकनेस ऑफ आयरन गिवन है जिससे ये बना है. सो आउटर रेडियस क्या आ जाएगा? प्लस कर दोगे आप, जितनी भी उसकी विड्थ गिवन है आयरन शीट की वो एड कर दोगे. तो इनर डायमीटर कितना गिवन है? डायमीटर और रेडियस, इनर रेडियस 1 मीटर है दिस इज 1 मीटर, थिकनेस कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर. तो ये कितना बन जाएगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? हाँ, 0.01. तो ये कितना आ जाएगा? 1.01. आउटर रेडियस आ गया, इनर रेडियस है, वी आर टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज फॉर मेकिंग द टैंक. तो दैट विल बी इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. सो राइट डाउन, इनर रेडियस 1 मीटर, बातों की आवाज आ रही है बेटे? इनर रेडियस इज 1 मीटर, थिकनेस ऑफ आयरन शीट वन सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर. तो आउटर रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर, इनर रेडियस प्लस आउटर थिकनेस. सो दिस इज 1.01 मीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, हेमिस्फेरिकल है, सो दिस विल बी आउटर वॉल्यूम क्या आएगा? कॉमन ले लूं मैं 2/3 pi दोनों में से. आउटर वाले को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इनर वाले को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. तो ये बन गया मेरा ये फॉर्मूला. अब वैल्यूज पुट कर लो एंड गेट योर आंसर. फर्स्ट 2 लाइंस इरेज कर दूं, सो दिस यू विल कंप्लीट योर सेल्फ एंड दिस इज योर होमवर्क पार्ट. कैलकुलेशंस हैं, बस आपने कैपिटल आर की वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल आर की वैल्यू पुट करनी है एंड देन उनके क्यूब्स को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई दैट विद 2/3 pi. पाई लेंगे 22/7 एंड देन यू विल गेट योर आंसर. कर लोगे कंप्लीट? सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. Find the volume of a sphere whose surface area is 154 cm². चलो साइमन बताओ. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके, दिया क्या है?
कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस, और सरफेस एरिया गिवन है तो आई कैन फाइंड आउट द रेडियस। हेमिस्फीयर तो नहीं है, स्फीयर है ना। चलो क्या आएगा जी, क्या फॉर्मूला होता है, 4πr² दिस इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन 4, पाई की जगह मैंने 22/7 कर दिया। अब बताओ क्या आएगा, कितने पे कटा, करो बताओ, कोई बात नहीं, 7 पे, बिल्कुल ठीक है। आ गया मेरे पास 49/4, आर स्क्वायर है तो आर कितना आ जाएगा, रूट ले लेंगे, हाँ रूट 49/4 इज 7/2। अब वॉल्यूम में निकालने आपने तो पुट कर दो, बैठो बेटे। कितना आया, सो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 6 करो कैलकुलेशंस। हाँ जी 539/3, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना इसको। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इफ एनी डाउट इज देयर